और आप सभी श्रोतागण, मैं सर्वप्रथम भाई साहित्य चंचल को बधाई देना चाहूँगा कि हिंदी जो पखवाड़ा आमतौर पर सरकारी कार्यालयों में मनाया जाता है, उन्होंने अपने निजी उपक्रम से इसको मनाने का निश्चय किया है। इसके लिए बहुत साधुवाद के पात्र हैं वो। साथियों, हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, संपर्क भाषा है, मातृभाषा है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा के बीच में जो भारत का साम्राज्य फैला हुआ था, उसको जोड़ने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाए और कौन सी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी जाए। इसके लिए बड़े शोध किए गए, कमेटियां गठित हुई, बाबा साहब अंबेडकर के अध्यक्षता में संविधान समिति गठित हुई और जो शोध के बाद ये नतीजा निकला कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देश के शहीदों ने, विद्वानों ने, आंदोलनकारियों ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उसी को देश की राजभाषा और राष्ट्रभाषा बनने का गौरव मिलना चाहिए। यहाँ हम महात्मा गांधी की बात करते हैं तो हिंदी भाषी थे, लेकिन उन्होंने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की पुरजोर वकालत की थी। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसे कई हस्ताक्षर थे जिन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने की पूर्ण वकालत की। और इस सब से बाबा जी निष्कर्ष ये निकला कि अगले जब आज़ाद भारत की नींव रखी जाए तो हिंदी को ही राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, क्योंकि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होना था। इससे पहले संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को एक प्रस्ताव पारित किया और उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आज़ाद भारत के बाद देश की राजभाषा हिंदी होगी। और आप सब लोग जानते होंगे कि उसी क्रम में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर से कई कार्यालयों में हिंदी माह मनाया जाता है, कई कार्यालयों में सप्ताह मनाया जाता है, कई कार्यालयों में पखवाड़ा मनाया जाता है। तो हमारे साहित्य चंचल जी इसको पखवाड़ा मना रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि इनका ही अपने प्रयासों से हिंदी पखवाड़ा और हिंदी कवि सम्मेलन मना रहे हैं। मुझे हिंदी के बारे में बोलने के लिए कहा है तो हिंदी देखिए आज बहुत बड़ी समृद्ध भाषा है, और 14 सितंबर 1949 से जो यात्रा इसने अब तक तय की है उसमें किसी भी स्तर पर यह देखने को नहीं मिला कि संविधान निर्माताओं ने कहीं किसी भी तरह की कोई गलती की। आज एक दो प्रांत को छोड़ दें जहाँ हिंदी का विरोध भले ही वो राजनीतिक हो, तो पूरे देश में हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। हमारे देश का सुदूर प्रांत अरुणाचल प्रदेश, जो चीन और भारत के बीच में आज झगड़े का कारण बना हुआ है, आपको ये जान के खुशी होगी कि हिंदी के मैं पहले आपको इसकी भूमिका बता दूं कि हिंदी के कार्यान्वयन की दृष्टि से देश को 3 भागों में बांटा गया है, का क्षेत्र,
खा क्षेत्र और गा क्षेत्र। का क्षेत्र में शुद्ध हिंदी भाषी राज्य है उत्तर भारत के, खा क्षेत्र में सेमी हिंदी स्पीकिंग जो अर्ध हिंदी भाषी क्षेत्र है वो है, जहाँ उनकी प्रांतीय भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा भी बोली जाती है। और गा क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ विशुद्ध रूप से अहिंदी भाषी क्षेत्र है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश अहिंदी भाषी क्षेत्र है और भारत और चीन के बीच झगड़े का एक मुख्य कारण भी है। लेकिन वहाँ हिंदी के प्रति और देश के प्रति इतना लगाव है लोगों में, इतना फूट फूट के भरा हुआ है कि जब भी कोई आपदा आती है तो वो अपने ही संसाधनों से वहाँ लड़ने का प्रयास करते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते, वहाँ लड़ते हैं भले ही भारतीय सेना बाद में आए। तो इसी क्रम में जब संविधान लागू हो रहा था तब उन्होंने स्वेच्छा से ये कहा कि हमें संविधान के अंतर्गत का क्षेत्र में रखा जाए। हम भले ही अहिंदी भाषी हैं, गौ क्षेत्र में हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें का क्षेत्र में रखा जाए, शुद्ध हिंदी भाषी क्षेत्र में रखा जाए। इससे उनकी आप देखिए देश के प्रति लगन और देश के प्रति भक्ति कितनी झलकती है। अब का क्षेत्र में आप उनको रखेंगे तो वहाँ के सरकार की कामकाज की भाषा होगी विशुद्ध तौर पर हिंदी होगी, क्योंकि राजभाषा अधिनियम जो 1956 बना था उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि जो का क्षेत्र हैं उनके कामकाज की भाषा विशुद्ध तौर पर हिंदी होगी। लेकिन वो जब अपना पत्राचार दूसरे क्षेत्र में करेंगे तो हिंदी के साथ वो अंग्रेजी का भी पत्राचार कर सकते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए इस बात की मैं बधाई देना चाहूँगा। किरण रिजिजू जो इस समय गृहमंत्री हैं, मेरी मुलाकात अभी 14 सितंबर को विज्ञान भवन में उनसे हुई थी। इतनी फर्राटेदार हिंदी बोलते हैं तो कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता है कि अहिंदी भाषी है। महात्मा गांधी ने आज से बहुत पहले कहा था कि हिंदी केवल एक कुछ व्यक्तियों की भाषा मात्र नहीं है, ये राष्ट्र को जोड़ने का काम करती है और राष्ट्र की एकता की कड़ी है। जब हिंदी में हम योगदान का बात करते हैं, जिक्र करते हैं, तो हम देखते हैं कि हिंदी आज इतनी समृद्ध हो गई है कि वो